आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी युद्ध के मैदान में जाने के लिए सैनिकों को पेट के बल जाना होता है, और ऐसे में बेहद जरूरी है कि सैनिकों के पेट भरे हुए हों। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए किस तरह से ले स्थित डीआरडीओ की एक लैब पहुंचा रही है न केवल ताजा खाना बल्कि उनकी मदद भी करती है पेट्रोलिंग और उनके राशन पहुंचाने तक में। आज की परिस्थिति में जब चीन सीमा पर भारतीय सैनिक जो मोर्चा संभाल रहे हैं चीन सेना के खिलाफ, तो ये पूर्वी लद्दाख का पूरा इलाका जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि ये ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ 14,000-15,000 की फीट की ऊंचाई पर, लेकिन पेड़ पौधा यहाँ पर नाम मात्र का होता है। ऐसे में जो हमारे सैनिक है जो मोर्चा संभाले हुए हैं चीन सेना के खिलाफ, उन तक खाना कैसे पहुंचाया जा रहा है, फ्रेश फूड कैसे पहुंचाया जा रहा है, उनका पेट कैसे भरा हुआ है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रही है जो डीआरडीओ है, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित रक्षा संस्थान है डीआरडीओ, उसकी लेह में एक लैब है जिसका नाम ही है DIHAR, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त उसी लैब में, उसी कैंपस में मौजूद है DIHAR के। देखेंगे चारों तरफ पूरा रेगिस्तान है, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर है और कोई पौधा नहीं होता, लेकिन यहाँ इस कैंपस में पूरी ग्रीनरी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, सब्जियों की सब्जियां भी हो रही हैं, हर तरह की सब्जी, कोई भी सब्जी लें वो यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से ये DIHAR लैब जो चीन सीमा पर भारतीय सैनिक हैं, जो चीन सेना से लोहा ले रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उन तक कैसे उनका पेट भर रही है, ये जानने के लिए ही एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची है ले स्थित DIHAR लैब कैंपस में। मैं ये कहूंगा पहले कुछ दशक पहले यहां पर 4 या 5 तरह की सब्जियां ही होती थी, लेकिन हमारे आर्मी में काफ़ी डाइवर्सिफाइड उनका रिक्वायरमेंट होता है वेजिटेबल क्रॉप्स का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा सबसे बड़ी कोशिश यही है कि यहाँ पर लोग कमर्शियल लेवल पे बड़े स्तर पे, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, बड़े स्तर पे कैसे सब्जियाँ उगाएं, और वो भी एक या तीन तरह के नहीं, अलग अलग तरह के, तो वो सब्जियाँ यहाँ पर लद्दाख में कैसे लाए और उस सब्जी को उगाने के लिए कौन सी तकनीक की ज़रूरत होगी, वो सब यहाँ पर डेवलप होता है। और लद्दाख आप देख रहे हैं कि भारत में एक अलग ठंडा मरुस्थल हम बोलते हैं, तो हमने ये देखा कि कोई भी टेक्नोलॉजी नीचे लोलैंड में होती है लेकिन उसको हम सीधा उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। तो डीआर का मकसद यही है कि यहीं पर टेक्नोलॉजी डेवलप करें, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी हमारे किसान अडॉप्ट करें। ये जो लद्दाख के पेड़ हैं, लेह के पेड़ हैं, दरअसल बहुत सालों तक इसे जंगली पेड़ माना जाता था। फिर क्या हुआ कि डीआरडीओ की जो लैब है लेह में DIHAR, उसने रिसर्च किया इस पे। ये सी बकथॉर्न इस प्लांट को नाम दिया गया है, पेड़ का नाम है ये, और इसको स्थानीय भाषा में लेह बेरी भी बोलते हैं, जो इसका एक बहुत छोटा सा फ्रूट होता है, अभी कच्चा है ये, बहुत छोटा मोती के बराबर होता है। और ये रिसर्च करके पाया गया कि इस सी बकथॉर्न में, लेह बेरी में जो विटामिन सी है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आंवली से भी 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसके फ्रूट में होता है। और जो इसकी पत्तियां हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसकी पत्तियों की चाय बनाई जाती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट से होने का मतलब ये है कि स्ट्रेस से लड़ने के में बहुत महत्वपूर्ण होती है इसकी पत्तियां। तो जो हमारे सैनिक हैं जो हाई अल्टीट्यूड में 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है सैनिकों को, या सिविलियंस भी जो वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में जो DIHAR है उसकी कोशिश है कि जो हमारे सैनिक हैं उन तक इस सी बकथॉर्न का जूस जो है, जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, वो दिया जाए ताकि हमारे सैनिकों को स्ट्रेस ना हो और वो अपने दुश्मन से अच्छे से मुकाबला कर सकें, लड़ाई लड़ सकें, उनको किसी भी तरह की थकान ना हो या सिकनेस ना हो। उसके लिए ही चाय भी दी जाए और साथ ही उनको जो इसका फ्रूट का जूस है वो भी दे दिया जाए। मास प्रोडक्शन की कोशिश की जा रही है DIHAR लैब द्वारा कि वो किसी को, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई कंपनी हो, उसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और फिर वो वहाँ पर जूस बनाकर हमारे सैनिकों को जो चीन सीमा पर इस वक्त तैनात हैं उनको दे, और साथ ही जो करगिल राज जो ऊंची ऊंचे पहाड़ों पर तैनात होते हैं उन तक भी इसकी सप्लाई की जा सके। जो सीबकथोन होता है एक बहुत ही खास किस्म का एक्चुअली एक पौधा है लद्दाख में जो पाया जाता है। तो पूरा इंडिया में देखे तो लगभग 70% जो सीबकथोन है सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में होता है। अब इस पौधा का एक मतलब एक खूबसूरत ये है कि इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो खराब हो जाते, मतलब जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। खासतौर पर आप इसका पत्ते देखें तो पत्ते से हम चाय बनाते हैं जो DIHAR हर्बल टी के नाम से बहुत मशहूर है, और उसी तरह अगर इसका फ्रूट देखें तो फ्रूट का खासतौर पर इसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली इसका जो बीज जो सीड्स होता है उससे हम तेल निकालते हैं,
तो तेल में आपका ओमेगा सीरीज ऑफ फैटी एसिड ओमेगा 3, 6 और 9 इसका कॉम्बिनेशन 1:1:1 होता है, जो एक्चुअली खास मतलब कोई भी ओमेगा फैटी एसिड में होना चाहिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो खराब होता है। और खास तौर पे इसका जड़ जो होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कहने का मतलब कि जिस बंजार जमीन पे आपने सीबकथॉर्न लगाया तो कुछ साल बाद उसमें हम अब दूसरा क्रॉप लगा सकते हैं। तो पहले ये ऐसा एक जंगली एक पौधा था, लेकिन अभी इस चीज़ का पोटेंशियल देखते हुए, क्योंकि इस पौधा हमारा एक प्लान है कि 25,000 हेक्टर्स में सीबकथॉर्न लद्दाख में लगाने के लिए, अगर हम 25,000 हेक्टर में लगाए तो लगभग 260 करोड़ रुपया हम सिर्फ इसका रॉ मटेरियल हम सेल करने से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि पूरा लद्दाख का इकोनॉमी ये चेंज कर सकता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने उन्होंने जब 2019 में आर्टिकल जब हटी थी तो उस टाइम उन्होंने एक प्लांट संजीवनी के बारे में बोला, तो वो संजीवनी एक खासकर हमारे यहाँ लद्दाख में होता है, उसके अंदर में जो हमारे जवानों के लिए जो हाई जो दिक्कत आती है एंटी फटीग लॉस मोर, इसके लिए ये प्लांट काफ़ी अच्छा पाया, उस पर हम लोग काम चल रहा है। इस तरह देखा जाए तो ये जो कि आने वाले सालों में जो हम लोग लोकल रिसोर्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और जो कि प्राय हमारे जो गवर्नमेंट का वो भी है कि फोकस भी है कि लोकल को ग्लोबल बनाना है। करगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपना सामान अपना राशन लेके जाना था तो उसके लिए इन जो जंस्कार पोनी है इनका इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर था जहां पर सेना को अपना सामान अपना जो हथियार है उनको लेके जाना था, तो ये जंस्कार घाटी में इस तरह की जो स्थानीय पोनी होती है इनका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जब इनका सफलतापूर्वक इनका इस्तेमाल हुआ तब अब जब पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना जब चीन सेना के खिलाफ जो मोर्चा संभाले हुए हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़रूरत है कि भारतीय सेना को अपना सामान राशन वेपन्स लेके जाना है, तो उसके लिए जो DRDO की लैब है यहाँ पर लेह में DIHR वो इन कैमल्स के ऊपर यानी ऊँट के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि नुब्रा वैली में डबल हम्प यानी कि दो जो हम्प होते हैं कैमल के वो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो लेकिन काफ़ी लिमिटेड उनकी संख्या है। जो पहले माना जाता है प्राचीन काल में मध्यकालीन युग में सिल्क रूट में जो सिल्क ट्रेड होता था सिल्क रूट पर उनमें डबल हम कैमल का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए जो DIHR लैब है वो इन डबल हम कैमल के साथ साथ जो हमारे डेजर्ट में राजस्थान में जो कैमल्स पाए जाते हैं ऊँट पाए जाते हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेन कर रही है, ताकि जो पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को अपने ज़रूरत है राशन भेजने की या कोई और सामान भेजने की पेट्रोलिंग करने के लिए भी उनको इन कैमल्स को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कैमल पे लोड कैरिंग कैपेसिटी पे काम हो रहा है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाल रहे हैं ताकि इनकी इंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ सके, और कल के डेट में हम ऐसे हाईली इंड्योरेंस वाले कैमल को हम आर्मी यूनिट में सप्लाई करेंगे जहाँ की वो इसे ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोलिंग और एनिमल पैक में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे सिंगल हम कैमल हैं, और साथ ही साथ हमारा काम डबल हम कैमल में भी चल रहा है जो लेह लद्दाख में नेटिव स्ट्रेन है, और इन दोनों में हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। ऐसा ही काम हमारा पहले जंस्कार पोनी में हो चुका है जो कि एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा है, और आज की डेट में हमने अपने सारे जंस्कार पोनी को परतापुर के RBC यूनिट में ब्रीडिंग सेंटर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये DIHR लैब जो है लेह में ये भारतीय सेना को पूरी तरह से मदद कर रही है ताकि वो जो अपना कर्तव्य निभाए उनको अच्छी तरह से निभाए, और उनमें बैक हैंड जो पीछे से जो सपोर्ट है वो ये DIHR लैब देती रहे। ABP News आपको रखे आगे।